अगर आप भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप जूनियर इंजीनियर कैसे बन सकते हैं, इसके लिए योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए, इसके साथ ही साथ अगर आप जूनियर इंजीनियर बनते हैं तो आपको सैलरी कितना मिलता है। तो आइए सभी बातों के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास जो अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि आपने पॉलिटेक्निक किया हो। अगर आपने 3 वर्षीय डिप्लोमा किया हुआ है तो आप आराम से किसी कंपनी में जूनियर इंजीनियर के पद पर चयनित हो सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट आप याद रखिए कि यह प्रक्रिया इतना आसान भी नहीं होता। सबसे पहली बात तो आप यह जान लीजिए कि जूनियर इंजीनियर बनने के लिए आपके पास 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता तो यह है कि आपका कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू आप उस कंपनी में आए हो, और कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू अगर आप कंपनी में आते हैं तो आपको इंटर्नशिप करने के बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस कंपनी में ठीक रहती है तो उसके बाद आपको जूनियर इंजीनियर बना दिया जाता है। और ये जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे आप अप्रॉक्सीमेट 5 या 6 साल तक काम करोगे, तब जाकर के आपको सीनियर इंजीनियर, उसके बाद आपको असिस्टेंट मैनेजर बनाया जाता है। तो ये तो आपका प्रोसेस रहा। लेकिन हम बताते हैं कि अभी भी ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं, 90% तो ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे कोई कंपनी जाती नहीं है कैंपस प्लेसमेंट के लिए। तब कौन से ऐसे रास्ते हैं जिसकी वजह से आप कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं? देखिए, कंपनी में जूनियर इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहले तो एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आती है ना। आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भी आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, Naukri.com, LinkedIn, ऐसे तमाम सारे ऐसे वेबसाइट हैं जिसके मदद से आप जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी को देख सकते हैं। लेकिन आप तमाम सारे ऐसे जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी को देखेंगे जिसमें मिनिमम आपके पास 6 मंथ या 3 मंथ का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है कंपनी में। कई सारे ऐसी कंपनियां होती हैं जो फ्रेशर को भी आपके जूनियर इंजीनियर बना देती है, तो वहां पे ऑलरेडी आपको ये चीज़ दिख जाएगी कि आपका इंटरव्यू किस डेट को है और आप वहां पे जाकर के इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू में अगर आपने सेलेक्ट हो गए तब जाकर के आप वहां पे जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। इंटरव्यू में वही आपके डिप्लोमा लेवल की चीज़ें पूछी जाती हैं, आप जिस भी ट्रेड के हैं उसी ट्रेड से रिलेटेड सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अब बात आपका ये आता है कि सर इसके अलावा आपके पास कौन से रास्ते हैं, तो इसके अलावा तो आपके पास एक रास्ता और बचता है स्टूडेंट, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन आप यहाँ पे यह जानिए कि आप जूनियर इंजीनियर अगर आप किसी कंपनी में बन जाते हैं तो वहाँ पे जो आपकी सैलरी पैकेज रहती है वो आपकी काफ़ी अच्छी रहती है, और सैलरी पैकेज अच्छे होने के साथ ही साथ आप कंपनी बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, कंपनी में ऑन रोल बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कंपनी के जितनी सारी फायदे हैं उन सारी फायदों का लाभ आपको मिलता है। जैसे कि कंपनी में जितने इंसेंटिव होते हैं या फिर कंपनी की छुट्टियां आपको मिलती हैं इत्यादि, जितनी सुविधाएं जो कंपनी अवेलेबल कराती है अपने एम्प्लॉई को, वो सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। इसके अलावा अगर आपने इंटर्नशिप किया हुआ है और जनरल मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहली बात है कि वहां पर आपको परफॉर्मेंस अपना ठीक रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वहां पर परफॉर्मेंस ठीक रखते हैं तो कंपनियों का यह रूल होता है कि हर एक साल पे आपका 10% का इंक्रीमेंट करती है, और इसके साथ ही साथ कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो लगभग अपने 5 या 10% एम्प्लॉई को ऑनरोल करती हैं और वहां पे वो अपना प्रमोशंस भी करती हैं। तो अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं या फिर आप अप्रेंटिस कर रहे हैं किसी कंपनी में, इंटर्नशिप या अप्रेंटिस आप जो है कर सकते हैं डिप्लोमा करके, तो अगर आप अप्रेंटिस कर रहे हैं तो अप्रेंटिस के बाद भी अगर आपको परमानेंट होने की जिम्मेदारी आएगी तो आप एक तरीके से जूनियर इंजीनियर के पद पे वहां पे परमानेंट हो जाएंगे, है ना। तो वहां से आपके लिए जो है सारी चीजें बिल्कुल आसान लगने लगेंगी, मतलब कि कंपनी में अब ग्रोथ आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आप पहले, सबसे पहले आप किसी ना किसी एक अच्छी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पकड़िए। अच्छी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जहां पर आप चाहे कितना भी दिन जॉब कर लें, आपकी सैलरी भी नहीं बढ़ती है, इसके साथ ही साथ प्रमोशन भी नहीं होता है। तो मैं ऐसी कंपनियों के बारे में नहीं कह रहा हूं, है ना। आपके पास जो है एक अच्छी सारी
कंपनी होनी चाहिए। और अच्छी कंपनी की जानकारी कैसे मिलेगी, तो आप किक जॉब अलर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितनी सारी कंपनियां हैं हर एक ट्रेड की कंपनियों की जेन्युइन नोटिफिकेशन जो जॉब की होती है वो अवेलेबल कराई जाएगी। वैसे तो हर दिन आपके जॉब वैसे निकलते रहते हैं, लेकिन वो आपके पास जेन्युइन जॉब नहीं होता। वहां पे आप जाएंगे तो आपको पैसे तो आप कमा लेंगे, लेकिन आपका अच्छा ग्रोथ जो है वो वहां पे नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।